संबल जनपद में झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक की भरमार होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग मौन बना हुआ है, जिससे आए दिन झोलाछाप डॉक्टर इंसानों की जान के दुश्मन बने हुए हैं और इलाज के नाम पर खिलवाड़ करते जा रहे हैं। और आए दिन लगातार झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से मौतें हो रही हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ सील की कार्यवाही कर दी जाती है और कुछ नहीं। रजपुरा थाना के कस्बा गवा में आज फिर एक झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगा देने से एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, तब स्वास्थ्य विभाग के क्वेक्स टीम प्रभारी मनोज कुमार ने क्लिनिक सील कर दिया। संबल जनपद के रजपुरा थाना के कस्बा गवा में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक भर्ती मरीज की जान चली गई, जिसे मृतक के परिजनों ने क्लिनिक पर जमकर हंगामा काटा तो स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली और क्वेक्स टीम प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर झोलाछाप डॉक्टर का क्लिनिक सील कर दिया। मौके से झोलाछाप डॉक्टर फरार हो गया। क्वेक्स टीम के प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि इसके खिलाफ थाना में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। यह क्लिनिक बिना पंजीकरण के संचालित था। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। ये कौन थे, इनकी मृत्यु हुई है? चाचा। इनका क्या नाम था? मनोज। कैसे मृत्यु हुई इनकी? खेत में थे, खेत में ऑटोमेटिक इन पे दौड़ा सा गिरा, उसके बाद हम डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले जाते ही मौत। कौन से डॉक्टर के यहाँ ले गए? पुनीत। कहाँ पर? गवा। इलाज करा, इलाज के दौरान मौत हुई? हाँ, इलाज के दौरान मौत हुई। करीब में 35-40 मिनट इलाज चला। जो आपने एक अस्पताल सीज गया, क्या है ये पूरा मामला? एक्चुअली में एक इसमें मौत की सूचना मिली थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में इसे सील किया गया, मुकदमा दिखवाया गया। किसकी मौत हुई है? किसी मनोज नाम के लड़के की है, अभी बाकी डिटेल मिल रही है। ठीक।